देखिए कैसे चाचा गिर गए हैं। देखिए उठाइए देखिए चाचा, एक मिनट उठाइए। देखिए अभी की प्रत्यक्ष घटना, हम दिखा रहे हैं। अभी की प्रत्यक्ष घटना दिखा रहे हैं। देखिए चाचा गिरे हैं, अभी की जस्ट घटना। अब बताइए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस संबंध में चाचा जी। देखिए अभी जस्ट गिरे हैं, इनका क्या गलती था, अभी जस्ट गिरे हैं। देखिए अब बताइए, चोटों लगा है आपको? देखिए खुद ये गिरे हैं, अभी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कहीं से गिरे हैं। अब बताइए इस तरह की घटना हो रहा है, उसके बाद भी इस ढक्कन को नहीं बंद किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग आसी पंचायत में आए हुए हैं। ये वार्ड 6 और 7 की जो सीमांकन है, जो एक रोड निकला हुआ, उस रोड की और ठीक मुखिया जी के घर से 10 कदम पीछे की ये मामला है, ये रोड है। यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर भी है और ये मोहल्ला भी है। इस मोहल्ले में एक रास्ता गया है, जिस रास्ते में 3-4 जगह ऐसे है जहाँ गटर का जो है ढक्कन खुला हुआ है, जो कि आपको दिखा दे। देखिए थोड़ा साइड हो, ये देखिए, ये बीच में ठीक रास्ते के बीच में जो है 4-5 ऐसे जो है ढक्कन खुला हुआ है, जिसमें आए दिन जो है नुकसान होते रहता है। कभी कोई साइकिल वाला गिर जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाले गिरता है, कभी बच्चे गिर जाते हैं। खैर, मोटरसाइकिल और साइकिल जो गिरता है वो स्पीड चलाने की वजह से या नहीं देख, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा जो गिर गया, इसका क्या दोष था, इसका क्या गलती है जो ये बच्चा गिर रहा है। यहाँ पे आइए, एक बच्चा जो है गिर गया था, 2 जिसमें से 3 बच्चा गिरा था। देखिए एक ये बच्चा है, बाबू इधर आओ, क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? क्या हुआ था आपके साथ? नाला में किस जगह गिरे थे? नाला में, इसी जगह है। देखिए इसी जगह नाला में गिर गया, क्या हुआ? आपका दांत टूट गया है क्या? दिखाइए ऊपर उठाइए। देखिए ये देखिए, बच्चे का 2 दांत टूट गया। चलिए तो अच्छा हुआ जो दांत टूट के रह गया। अगर गिर के कुछ घटना घट जाती, कुछ अप्रिय घटना घट जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? मुखिया जी से जब हम कॉल करके जानकारी लेना चाहे तो मुखिया जी बोल रहे हैं हम अभी यहाँ नहीं हैं, गांव में नहीं हैं, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, जब हम आएंगे तो काम हो जाएगा, ये आश्वासन दिए। बोले मटेरियल गिरा हुआ है, आएंगे हम काम करवा देंगे, या हमारे आने से पहले भी काम हो सकता है। लेकिन ये छोटा बच्चा है, ये बच्चा लगभग डूब सा गया था, ये बच्चा डूब गया था, वो तो अच्छी थी गनीमत, जो किसी ने देखा तो इसको निकाला। बाबू क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, वहाँ गिर गए थे आप, किस में गिर गए थे? आइए तो दिखाइए कहाँ गिरे थे आप, आइए। बच्चा छोटा सा है, ये खुद दिखाएगा जो कहाँ पे गिरा था। चलो तो बाबू आगे आगे आओ, कहाँ गिरे थे बताइए। चलिए चलिए, देखिए अब ये बताइए, छोटा सा बच्चा जो गिर गया था, अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्यों नहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि काम करवा रहा है? और आपको ये भी जानकारी देंगे, जो काफी कितना समय से ये नाला ऐसा पड़ा हुआ, कहाँ पे गिरे? इसमें गिरे थे आप? देखिए इसी में गिर गए थे आप? देखिए इसी नाला में ये बच्चा गिरा था। बताइए अगर बच्चा के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? आइए चाची, क्या नाम है आपका? शांति देवी। यहीं का रहने वाले हैं? हाँ। बताइए ढक्कन कब से ऐसा पड़ा हुआ है? बहुत दिनों से पड़ल छे। बहुत दिन से पड़ा? हाँ, हाँ, बहुत दिनों से। इसका काम क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या नहीं है छे से तो आप जानते हैं। पूछना चाहते हैं आखिर ये कब से खुला है और ऐसा क्यों? आइए इधर आइए सर, आप लोग इधर आइए, सामने आइए। नमस्कार, जय भारत। देखिए हम मुखिया जी को आते ही बोला था कि मुखिया जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सही कर दीजिए। हम सिस्टम से वार्ड मेंबर को बुलाए, वार्ड मेंबर साहब का कहना है कि मुखिया नहीं सुने छे, तो मुखिया को हम रिक्वेस्ट करिया अपने बगल वाले से बोल के, उसका करता धरता है बगल में रहता है, उसको बोला तो वो बोल रहा है ठीक है, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। अभी समाज को इकट्ठा करके हम बोला कि जो भी पैसा लगेगा, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, जो भी माल मटेरियल है दे दो, लेबर का जो भी चार्ज होगा हम देंगे, हम मिलजुल के समाज सेवा 2-4 लड़का मिलके कर दे। समस्या यही है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबका भला होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए। मुखिया की जिम्मेदारी थी, उसको ये बोलना था कि भाई आके हम देख दे करवाते हैं, लेकिन उसका ये जवाब निकला कि कब होगा नहीं मालूम। एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये जवाब नहीं होना चाहिए ठीक है। और बात रही कि मेरा 3 बच्चा का, एक बच्चा का इन्फेक्शन की वजह से मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, स्कूल में है। ये देखिए MD ताहिर, एक बच्चा, आप लोग समाज का आशीर्वाद से मेरा बच्चा बच गया।
एमडी आसिफ, इसलिए इतना सिर्फ बचा हुआ था, वो कोई देख लिया फरिश्ता बनके मेरा बच्चा को बचा दिया। यही गटर में और एक बच्चा मेरा है, एक बच्चा है मेरा अनस, ये देखिए इसका दुगो दांत टूट गया है, हम बोल बोल के परेशान हो गए। इसको तो सालों लग गया, जो कि सालों से जो कि मतलब ये ऐसे ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, साल भर से ऐसे ही है ये, अभी तक इस पे ढक्कन नहीं। साप्ताहिक जांच जो आता है पंचायत में नहीं आ रहा है। बाबू साइड हो ना तुम लोग, कहे पंचायत भवन पर बुलाता है, वहीं सबको अटेस्ट करके भेज देता है, कोई घूम के चेक नहीं करता है, पदाधिकारी नहीं आया, पदाधिकारी चेक करने नहीं आया, बिल्कुल कहे नहीं यहाँ पर मैं आकर के वो देखे, क्या साप्ताहिक जांच में साल भर से ऐसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं वो देखे आके पदाधिकारी, क्या उनकी नजर इस पे नहीं पड़ा, अगर जांच टीम आता तो जरूर नजर पड़ता। और वार्ड मेंबर को बुलाया गया है, देखिए दिखाइए दिखाइए जल्दी दिखाइए, देखिए 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 कैसे चाचा गिर गए हैं, देखिए उठाइए उठाइए, देखिए चाचा एक मिनट उठाइए 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 उठाइए, देखिए अभी की प्रत्यक्ष घटना, अभी की प्रत्यक्ष घटना हम दिखा रहे हैं, अभी की प्रत्यक्ष घटना दिखा रहे, देखिए चाचा गिरे हैं, अभी की जस्ट घटना। अब बताइए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस संबंध में, चाचा जी देखिए अभी जस्ट गिरे हैं, इनका क्या गलती था, अभी जस्ट गिरे हैं, देखिए अब बताइए, चोटो लगा है आपको, देखिए खुद ये गिरे हैं, अभी मोटरसाइकिल से आ रहे थे कहीं से गिरे हैं, अब बताइए इस तरह की घटना हो रहा है उसके बाद भी इस ढक्कन को नहीं बंद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। अभी आपके सामने प्रत्यक्ष में एक मोटरसाइकिल से तोड़ा कौन है, अभी ये कौन तोड़ा ये चीज तो हमें नहीं पता, हम दिखाता हूं कहां जी, आइए 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 आइए, मुखिया जी का भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं जो आखिर ये कैसे हुई घटना, ये खुद जानकारी देंगे जो कैसे ये टूटा है या पहले से काम नहीं हुआ है, तो ठीक है इनसे भी बाइट ले लेते हैं, पूछ लेते हैं आखिर कैसे हुआ है ये। का दुर्दशा देख रहे हैं, हाँ इसमें लेट्रिन का नाला है, थोड़ा इधर घूम जाइए ना, हाँ इधर घूम के, हाँ इसमें लेट्रिन का अटैच नाला है, अच्छा इसलिए तोड़ा गया है, और तोड़े हैं ये जो तोड़े हैं, हाँ इन्हीं का भाई साहब तोड़े हैं, जो अगले इस पंच बच्चे बिल्कुल फंसाया जा रहा है, रुक जाइए सब समाज का, जब आपसे सुनिए ना, आपसे बात किए इनसे भी बात करने तो बात करने दीजिए, बात करने दीजिए ना, ये खुद प्रत्याशी है वो चोरे हैं, नहीं गलत बात सुनिए, रुकिए ना बोलने दीजिए ना, काहे जिद कर रहे हैं, जबरदस्ती करोगे जबरदस्ती करोगे, सुनिए जब आपसे पूछ लिया इनसे पूछ रहे हैं, बताने दीजिए इनको, इस नाला का दुर्दशा कर्मचारी हर 15 दिन पे साफ करता है, हमको 1 महीना हो गया आए हुए, 12 तारीख को आया, वो छोड़ देंगे नहीं पाएंगे नहीं सब, अच्छा ठीक है। आसी पंचायत वार्ड 6 और 7 का कर्मचारी हैं, हम 9 का हैं, 9 का हैं, क्या काम आपका, क्या काम दिया गया है आपको? सफाई सुथरा करना, सफाई सुथरा करने का जी, सफाई किए हैं जी, कितना दिन पहले किए हैं नाला को सफाई? 15 दिन पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ है, आप बड़ा सुने, रुक जाइए हम पूछ रहे हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलिएगा नहीं छोड़ देंगे चले जाएंगे हम लोग, आप किए हैं सफाई, क्या दिक्कत आपको आया? दिक्कत है 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं, क्यों जितना है? भी क्योंकि हमारे पास न हथियार है, न बाल्टीन है, न गाड़ी है, अच्छा और न बेलचा है, उठाने वाला कोई चीज सामान नहीं है, हमको मिलेगा तब न हम करेंगे, हमको नहीं दे रहा, हम नहीं किया, हम गाड़ी जमा कर दिया, लेट्रिन का नाला है, है किसका, इसीलिए इसीलिए तो साफ नहीं हम लोग करते हैं, नाला में होगा अगर मान लिया लेट्रिन का डायरेक्ट तो हम लोग सफा नहीं करेंगे, सफा नहीं कीजिएगा, लमसम बताइए, लमसम उतना याद रहता है 2 साल हुआ कि 3 साल हुआ, लोग अपना धंधा में लग जाता है, नहीं तो आपके घर के सामने है तो पता होगा, नहीं पता होगा, वो चचरी दादा जाए कुछ दादा बच्चा सब बहुत गिरो है, हमारा पोता मर के बचले, इतने हाथ जागा रहे पूरे दमी का पोता है, फायदा है।